हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी सेवैयाँ की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन को गर्म होने दें, अब इसमें एक चम्मच घी डालें। घी को ज़्यादा गर्म ना होने दें। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक मिनट के लिए सॉटे कर लें मीडियम फ्लेम में। ड्राई फ्रूट्स हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। सेम पैन में 1.5 चम्मच घी डालें। इलायची को कुछ सेकंड के लिए घी में रहने दें। अब इसमें हम सेवैयाँ डालेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप सेवई लिया है। यहाँ पे रोस्टेड सेवई यूज किया है। आपके पास रेगुलर सेवई हो तो आप उसे यूज करें। इसे हमें मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मुझे इसे फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को एक बार में पूरा ना डालें, इसे धीरे धीरे करके मिलाएं और जब दूध सूख जाए तब दूसरी बार डालें। मैंने यहाँ पे टोटल 1/2 कप मिल्क यूज किया है। देख सकते हैं दूध पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसमें और थोड़ा सा दूध डालें और इसे सुखा दें। जब दूध पूरी तरह सूख जाए तो आप एक बार और डालें दूध। इस तरह करके मैंने 1/2 कप पूरा दूध डाला है। एक बार में ना डालें, धीरे धीरे करके ही दूध को यूज करें। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी लिया। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालें। मैं ड्राई सेवई बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे पानी यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आपको सेवई थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो यहाँ पे आप 4 से 5 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। मीठी सेवैयाँ बनाने के लिए हमेशा पतले वाले सेवई यूज करें, मोटे वाले सेवई मत यूज करें। 3 से 4 मिनट हो चुका है, एक बार इसे बीच में चेक कर लें, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। इसे वापस कवर करें और लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकने दें। हमें 5 से 6 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पकाना है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिला दें। हमारा ड्राई सेवई रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये पसंद आएगा। अब फ्लेम बंद कर दें। मीठी सेवई रेडी है। आप इसे गर्म सर्व करें। सेवई जब ठंडा हो जाता है तो चीनी जमने लगता है। आप सर्व करने से पहले इसे गर्म कर लें, ये वापस सॉफ्ट हो जाएगा। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।